एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज सिर्फ दो ही गाड़ियां लोड करनी है, ये गैस्को कंपनी की गाड़ियां हैं और जद्दा से मैं इनको लोड कर रहा हूं अभी, और ये जाएगी रियाद। फैक्ट्री के मेन गेट पे अभी लाइन में लगा हूं बाहर निकलने के लिए। अब यहां पे गाड़ी चेक हो रही है, उसके बाद में गाड़ी बाहर जाएगी। अभी कई बार इससे ऐसा हो रहा है कि गाड़ी जो है मान की फैक्ट्री से लोड हो रही है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि दूसरी वीडियो में कि ये जफाली की गाड़ी है जो मर्सिडीज़ है उसकी फैक्ट्री से भी हम लोड करते हैं। बस ये है कि वहाँ से अभी लोड अभी चालू नहीं हुआ है। मुझको लगता है इसके बाद जो दूसरा ट्रिप होगा वो जफाली से ही लोड होगा। अभी एक ही गाड़ी लोड हुई है और दूसरी गाड़ी को लोड करने के लिए अभी मैं नीचे खड़ा हूँ रैंप के यहाँ पर। चलिए इसको लोड करते हैं अभी। आगे जो सपोर्ट रखी है इसके आगे टायर टच हो जाएगा। ओके जी, ये हो गई है दूसरी भी लोड। गाड़ी तो लोड हो चुकी है लेकिन अभी रात के 10 बजे तक जद्दा में नॉइज़ रहती है। रात के 10 बजे से पहले आप यहाँ से नहीं निकल सकते, इसलिए हम चलते हैं अभी अपनी कंपनी। हाँ जी दोस्तों, मैं अभी जद्दा से निकला हूँ, अभी बहरा कुबरी पे हूँ। अभी टाइम हुआ है 10:40 हुए हैं, यानी 10 बजे मैं जद्दा से निकला हूँ और रास्ते में भी मुझको एक दो जगह रुकना था, वहाँ पे रुका हूँ, इसलिए इतना टाइम हो चुका है। जद्दा तो तकरीबन किरोस ही हो चुका है। अभी पहुँच चुका हूँ मैं बहरा, मक्का जद्दा हाईवे पे हूँ और यहाँ से लेफ्ट साइड में जो देख रहे हूँ नज़र आ रहे होंगे आपको, इधर ये जो मकान है ये एक बहरा गाँव है। तो आगे जो फ्लाई ओवर आएगा वहाँ से हम जाएँगे लेफ्ट और बहरा को निकलते हुए सीधा जमूम, और जम्मू होते हुए सीधे हम जाएंगे ताइफ। तो ये सीधा रास्ता जाता है मक्का। मक्का तो यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, मक्का रह जाता है यहाँ से 25 किलोमीटर। तो मक्के को तो निकल के हम जा नहीं सकते क्योंकि अभी हज का टाइम शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया से जो हाजी हैं वो मक्का में आना शुरू हो चुके हैं, इसलिए मक्का में भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है। आगे जो फ्लाई ओवर आएगा वहाँ से हम जाएंगे लेफ्ट। अब से 15 दिन पहले हम लोग अक्सर मक्का को निकलकर जाते थे क्योंकि इधर से ताइफ जाना एक नज़दीक भी होता है और वैसे भी इधर से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं जाती, ट्रैफिक जो है वो कम होता है। लेकिन अभी टाइम शुरू हो चुका है हज का, हजियों को परेशानी ना हो उसकी वजह से बड़ी गाड़ियों को मक्के में जाना बिल्कुल मना कर दिया गया है। इसलिए आगे जो ये फ्लाई ओवर है यहाँ से हम जाएँगे लेफ्ट और जम्मू को होते हुए सीधे हम जाएँगे ताइफ। अभी मैं पहुंचा हूं जम्मू से पहले लगा हूं लाइन में। यहां पे पुलिस वालों ने लगा रखा है चेक पॉइंट, यहां पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और मेरे पीछे कम से कम 10 किलोमीटर की लाइन होगी। मैं तो अभी नज़दीक ही पहुंचने वाला हूं चेक पॉइंट के, तकरीबन 1 किलोमीटर बाकी है, लेकिन 20 मिनट तो मुझे भी होगा यहाँ पर लाइन में लगे हुए। ये बहुत मुश्किल है यार लाइन में लगना, तो नींद का टाइम है और ऊपर से ये लगा देते हैं इधर जाम। ये जम्मू से निकलने के बाद में एक छोटा सा ही पेट्रोल पंप है जहाँ पे मैं डीजल भराने के लिए रुका हूँ। इधर एक गाड़ी खड़ी है और इधर ये डीजल के लिए लाइन में अपनी गाड़ी खड़ी है। आज तो दो ही लोड है और ये दोनों गाड़ियाँ गैस्को कंपनी की हैं, जो गैस्को कंपनी है उसमें दोनों गाड़ी जा रही हैं, लेकिन अभी उसके पास डायरेक्ट नहीं जाएंगी। ये गाड़ी अभी PDI होगी रियाज में जाने के बाद, ये डीलरशिप के पास जाएगी, जो मान कंपनी का डीलरशिप है उसके पास जाएगी, फिर बाद में जाकर ये कस्टमर को डिलीवर की जाएगी। डीजल डल चुका है अपनी गाड़ी में पूरा 450 रियाल का और ये 600 लीटर डीजल है। अभी चलते हैं यहाँ से, रियाज पहुँच जाएगी अपनी गाड़ी। उधर पहुँचने के लिए इतना डीजल काफ़ी है, टैंक फुल हो चुका है। अभी ताइफ रह जाता है यहाँ से 100 किलोमीटर, और ऐसा लगता है कि आगे बारिश बिल्कुल पक्का मिलेगी क्योंकि काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि बिजली चमक रही है। ताइफ से पहले मिलेगी या ताइफ में मिलेगी? ताइफ में तो पक्का मिलना है क्योंकि बार बार बिजली चमक रही है, इसका मतलब यही है कि ताइफ में बिल्कुल बारिश कन्फर्म है।
2 घंटे पहले की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई। अभी मैं ताइफ में हूँ और यहाँ पे हो रही है बारिश। कोई ही दिन ऐसा जाता है जो ताइफ में बारिश नहीं होती। अभी जो है बारिश की रफ्तार जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अब से 1 घंटा पहले भी काफ़ी तेज़ हुई है, साइडों में बहुत पानी भरा है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम ही रुक जाते हैं, अब हो गया सोने का टाइम। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आप लोगों के मन में जो है एक सवाल ज़रूर आया होगा कि जब दोनों गाड़ी ये सीधी लोड हो सकती हैं तो एक गाड़ी रिवर्स में और एक सीधी क्यों लोड की है। बात बिल्कुल सही है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब रिवर्स में आप एक लोड करते हो और एक सीधी लोड करते हो, इस तरह लोड करने से एक तो पूरे ट्रेलर के ऊपर वज़न जो है वो बराबर रहता है, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप ये आगे वाली गाड़ी सीधी लोड करते हो तो गाड़ी का जो ये केबिन है वो ऊपर हो जाएगा, बहुत ये लोड हो जाएगा ओवर हाइट, तो ओवर हाइट की लगती है पेनल्टी, इसलिए ये रिवर्स में लोड की है। सोकर उठने के बाद यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, तो यहाँ पे मैंने नाश्ता किया है। सामने आप देख सकते हो कि सामने ये इधर ये एक होटल है, तो यहाँ पे नाश्ता किया है और अब चलने का टाइम हो चुका है। अब चलते हैं रियाज के लिए, अभी सफ़र अपना काफ़ी बाकी है। ये जो ट्रेलर जा रहा है आप लोग देख सकते हो, हमारी कंपनी में भी इस तरह का काम है, लेकिन इसको मैं नहीं चल रहा था। कौन 8 गाड़ियां लोड करेगा यार, कौन इनको उतारेगा? 8 की 8 गाड़ियों को बांधना होता है, हर गाड़ी का हर एक टायर को बांधना होता है, यानी एक गाड़ी पे आप 4 बेल्ट लगाओगे तो ये 8 गाड़ियां हैं, 8 चौक 32, 32 बेल्ट आपको बांधनी होगी इन गाड़ियों में। और अगर एक टायर भी आपने नहीं बांधा है और कहीं पर चेकिंग हो गई तो आपको फ़ाइन लगेगा 3000 रियाल का। इसलिए हम चलाते हैं लोबट, अपना 2 यूनिट लोड करो या 3 लोड करो, एक एक जंजीर लगाओ और भागते जाओ। अपनी कंपनी की 2 गाड़ियां इधर खड़ी हैं, आप देख सकते हो। ये वापसी में लोड ला रहे हैं, रियाद से आ रहे हैं ये लोग, अभी इधर आराम कर रहे हैं ये। इन्होंने कार लोड की है वापसी में। इधर से लोड हैवी होता है जद्दा की तरफ से जब हम जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो अक्सर हल्का ही लोड होता है उधर से, या तो कार लोड होती है या फिर कोई छोटी डायना लोड होती है या कोई छोटी वैन, इस तरह का लोड होता है। लेकिन जद्दा से लोड आपके पास वो हैवी ही लोड होगा। सऊदी में जो स्पीड कैमरा होता है वो खुला रखा होता है, जैसे ही आप ज़्यादा स्पीड से जाओगे तो आपको ये फ़ौरन कैप्चर करेगा और आपके ऊपर फ़ाइन आएगा आपकी स्पीड के हिसाब से। स्पीड लिमिट है यहाँ पे 80, और जहाँ तक मैंने इसको चेक किया है तो ये 90 की स्पीड तक ये फ्लैश नहीं मारता है। 90 से ऊपर अगर आप जाओगे, यानी 95 अगर आप जाओगे तो आपको आएगा 300 रियाल का, और अगर आप जाओगे 100 की स्पीड पे इसके सामने और इसने आपका फ़ोटो निकाल लिया तो आपको आएगा फिर फाइन 500 रियाल का। इसलिए इससे बच के रहें। भागते भागते हम पहुँच गए हैं हमियात। अब थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करना है हम या तो मैं, उसके बाद ये वो जगह आ चुकी है जहाँ पे मुझे रेस्ट करना है थोड़ा। 2 घंटे के लिए मुझे यहाँ पे रुकना है। आगे का सफ़र देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से 2 घंटे बाद। यहाँ रुका था आराम करने के लिए। आराम करने से पहले सोचा कि गाड़ी का एक चक्कर ही लगा लेता हूँ, कुछ हुआ तो नहीं है गाड़ी में, लेकिन आगे देखा तो ये टायर में हुआ है पंचर। अब यही नहीं पता पंचर है कि इसमें हवा कम है, लेकिन टायर बैठ चुका है। कोई बात नहीं, दिखाते हैं पंचर के पास चलते हैं, क्या हुआ है इसमें, पंचर है या हवा कम है, जो भी कुछ है दिखाते हैं। मैंने तो काफ़ी तलाश किया तो मुझे मिला ही नहीं पंचर, फिर पंचर के पास आके गाड़ी लगाई तो इसने टायर खोला है भाई ने, तो टायर खोलने के बाद जो इसमें मिला है उसको देख के तो मैं भी हैरान हो गया। इसमें मिला है टायर में ये सरिया, ये देखो इसकी लंबाई कितनी है, 4
चार आठ और आठ तीन ग्यारह, ग्यारह अंकल का सरिया इसके अंदर मिला है। तो बाद में भाई कह रहा है कि ये 50 वाला पंचर इसमें काम ही नहीं करेगा, बोलता कि होल इसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, ये 70 वाला पंचर लगा लो। मैंने बोला भाई अगर चलना होगा तो 50 वाला भी चलेगा और नहीं चलना होगा तो 70 वाला भी नहीं चलेगा, तो 50 वाला ही लगा दिया भाई ने 50 वाला पंचर। अब टायर फिट कराते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। खाना भी खा लिया है इधर बस सामी कंपनी का, इसका भी टायर फटा हुआ है। खान साहब फुल हम यहाँ से निकल रहा हूँ पंचर लगा के, बस दुआ यही है कि ये पंचर फिर से खुल ना जाए, क्योंकि उसने बोला था कि ये पंचर काफ़ी बड़ा है, ये खुल सकता है, गारंटी नहीं है पंचर की यार, ये अगर पंचर खुल गया तो टायर ख़राब हो जाएगा। अभी पंचर लगाने के बाद मैंने गाड़ी चलाई है 250 किलोमीटर और इस टायर को चेक करने के लिए रुका हूँ, कभी ये फिर से ख़राब तो नहीं हो गया। उसने बोला था कि ये पंचर मुझे लगता है कि ख़राब हो जाएगा फिर से, लेकिन टायर ठीक है। 250 किलोमीटर चल गया तो काफ़ी है, अब तो ये ख़राब होगा ही नहीं, वेल गुड। टायर चेक करने के बाद मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और अभी जो मेरा सफ़र बाकी है वो 150 किलोमीटर बाकी है। ये 150 किलोमीटर का सफ़र मुझको तय करने में तकरीबन 2 घंटे लग जाने हैं और रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो, अकेला जा रहा हूँ, बड़ी गाड़ी मुझको कोई आसपास नज़र ही नहीं आ रही। जो गाड़ियाँ कुछ मुझको पीछे मिली थी उन सबको मैंने ओवरटेक कर दिया है और मैं भी 85 की स्पीड पे मैं जा रहा हूँ। रियाज के बिल्कुल नज़दीक जाने के बाद में वहाँ पे कुछ ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है, तो जल्दी पहुँच जाएँगे इंशाल्लाह। ये जो मेरे आगे बस जा रही है ये रियाद मेट्रो की बस है और अब से 3 साल पहले ये बसें हमने जद्दा से लोड करके रियाज पहुंचाई हैं। ये जो सिंगल वाली बस है, कुछ बसें जो हैं वो डबल वाली हैं, उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो वो भी हमने लोड करके इधर पहुंचाई हैं रियाज। मैं इसका अभी फ़ोटो डाल देता हूँ वीडियो के, काफ़ी अच्छी बसें हैं ये देख सकते हो आप, दोनों गाड़ियां उतार दी हैं और मान कंपनी के सामने खड़ा हूँ। ये मान कंपनी का डीलरशिप है, आप देख सकते हैं कि अंदर की साइड में गाड़ियां खड़ी हैं, यहीं पे मैंने दोनों गाड़ियों को पार्क किया है और अब मैं यहां से चलता हूं और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।